एसपी साहब ने, एडिशनल एसपी साहब ने और एडिशनल एसपी शाहपुरा चंचल जी ने भी, मैं तीनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो मेरी मांग थी कि इन दोनों थानेदारों को वहाँ से हटाया जाए जब तक कि इनकी जांच पूरी नहीं हो जाए, वो जांच बात इन्होंने मानी। दोनों थाना अधिकारियों को वहाँ से हटाया गया और उनके जो सेकंड अफसर्स हैं उनको जांच दी गई और ये उन्होंने भरोसा दिलाया कि जब तक जांच पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती वो दोषी साबित होंगे या नहीं होंगे ये तो जांच की प्रक्रिया की बात है। अगर वो साबित होते हैं तो इन थानों में नहीं जाएंगे और नहीं होते हैं तो जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है उनके हिसाब से जो भी बातचीत होगी उससे उसी हिसाब से पता लगेगा। मेरी डिमांड होगी, मैं नहीं चाहता था कि वो दोनों थानेदार उन थानों में रहे और प्रशासन ने वैसे ही मेरी बात मान ली, इसलिए मैं उनको धन्यवाद भी देता हूँ और मैं सोचता हूँ कि ये एक न्याय के लिए अच्छी जीत है और आह्वान करना चाहता हूँ कि भविष्य में और भी जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं और ये लोग अपने आप में समझ लें कि किसी एक नेता के दबाव में आके सारा काम करना चाहें तो ये संभव नहीं है। विरोध की आवाज़ उठाने वाले भी लोग हैं। श्री प्रद्युम्न सिंह राणावत द्वारा थाना क्षेत्र पूर्व के प्रकरण को लेकर 2 दिन धरना दिया गया, आज से अनशन प्रारंभ किया गया था। उनकी मांगों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व से ही जांच, उसी प्रकरण की जांच एडिशनल एसपी साड़ा चंचल जी मिश्रा कर रही हैं। थानाधिकारी पूर्व और थानाधिकारी मंगरो दोनों को एक अन्य प्रकरण की एसआईटी टीम में लिया गया है जो उस एसआईटी टीम के साथ रहकर अपनी कार्रवाई संपादित करेंगे और थाने पर उपस्थिति ना रखते हुए एसआईटी में अपनी उपस्थिति रखेंगे। वर्तमान में जो द्वितीय थानाधिकारी है वो कार्य संभालेंगे। और साथ ही जो मैं न्याय दिलायो मैं आप लोग बहुत बड़ा आभारी हूँ और आप लोग सब मेरे परिवार निशान भाई छोटा भाई ने न्याय दिलाना निशान भारत ये 2-3 दिन तक मुझे बेटर या दादा को मारे कारण आज लगान बार तक भूखा गया मैं बहुत ही बड़ों कर्जदार व्यक्ति हूँ।